आज के फनकार। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे संगीतकार की जिन्होंने भारत की आजादी तक तो भारत में काम किया, उसके बाद सरहद के उस पार चले गए। उन्होंने बहुत कम फिल्में की, लेकिन इतनी कम फिल्मों के बावजूद उनकी प्रतिभा का दर्जा बहुत ऊंचा रहा और उनके गाने आज भी याद किए जाते हैं। बाग में कलियां खिलाए जाए, शबनम के अश्क अपनी हंसी में छिपाए जाए, जीने का ढंग सिखाए जाए, कांटों की नोक पर खड़ा मुस्कुराए जाए, जीने का ढंग सिखाए जाए, कांटों की नोक पर खड़ा मुस्कुराए जाए, जीने का ढंग सिखाए जाए, में तेरे कान में कुछ गुनगुना दिया, भोरे न तेरे कान में कुछ गुनगुना दिया, ये कह के राजे जिंदगी कुछ को बता दिया, ये कह के राजे जिंदगी कुछ को बता दिया, रोते हुए जहानों में तू मुस्कुराए जाए, तू मुस्कुराए जाए, जीने का ढंग सिखाए जाए, कांटों की नोक पर खड़ा मुस्कुराए जाए, जीने का ढंग सिखाए जाए। सदाओं में भी पैगाम यही है, बुलबुल की सदाओं में भी पैगाम यही है, कोयल की भी हर पूछ सुबह शाम यही है, कोयल की भी हर पूछ सुबह शाम यही है, वो हंसते हुए फूल तेरे हुस्न के सदके, ओ हंसते हुए फूल तेरे हुस्न के सदके, पत्थर में क्या करे कोई कितना बताए जाए, कितना बताए जाए, जीने का ढंग सिखाए जाए, कांटों की नोक पर खड़ा मुस्कुराए जाए, जीने का ढंग सिखाए जाए। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें उस संगीतकार की जिसका ताल्लुक कभी आकाशवाणी से रहा था। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार और निर्देशक ख्वाजा खुर्शीद अनवर पर। मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है, मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है, तबीयत और घबराती है जब बहलाई जाती है, तबीयत और घबराती है जब बहलाई जाती है, झिझक कर गुफ्तगू करना है अपना राज कह देना, झिझक कर गुफ्तगू
करना है अपना राग कह देना इसी नाजुक से पर्दे में इसी नाजुक से पर्दे में तमन्ना पाई जाती है इसी नाजुक से पर्दे में तमन्ना पाई जाती है मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है। ख्वाजा खुर्शीद अनवर का जन्म 21 मार्च 1912 को मियांवाली में हुआ था। आज ये जगह सरहद के उस पार है। ख्वाजा खुर्शीद अनवर के पिता थे ख्वाजा फिरोजुद्दीन, जो उस जमाने के जाने माने बैरिस्टर थे। जाहिर है कि घर में पढ़ने लिखने का माहौल था और इसका असर सीधे बालक खुर्शीद अनवर पर पड़ा। उन्हें अपनी स्कूली पढ़ाई में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते रहे और आगे चलकर उन्होंने फिलॉसफी में पहले दर्जे में एमए किया। ख्वाजा खुर्शीद अनवर एक बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र थे। कॉलेज के दिनों में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ते हुए उन्होंने छात्र राजनीति में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। उन पर शहीद भगत सिंह का बड़ा गहरा असर था। पढ़ाई के दिनों में उन्हें इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे। उन्हें गुलामी की जंजीरें जरा भी पसंद नहीं थीं। कुछ दिन उन्होंने जेल में बिताए। जेल से ही उन्होंने बीए का एग्जाम दिया और पहले दर्जे में पास हुए। ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद उन्होंने फिलॉसफी में मास्टर्स की डिग्री के लिए एडमिशन लिया और नानक गोल्ड मेडल हासिल किया क्योंकि उन्होंने इस परीक्षा में टॉप किया था। ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा के लिए परीक्षा दी और कमाल की बात यह है कि वो पास हो गए, पर चूंकि ब्रिटिश सरकार थी और ब्रिटिश सरकार को यह पता था कि ये व्यक्ति ब्रिटिश सरकार के विरोधी आंदोलन में सक्रिय है, इसलिए उन्हें सरकारी नौकरी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने अपनी जिंदगी की राहों को बदल दिया। सन 1938 में वो आकाशवाणी के प्रोड्यूसर बन गए। उन दिनों में उनके साथ मीम राशिद और सादत हसन मंटो जैसे बड़े नाम आकाशवाणी से जुड़े हुए थे। सादत हसन मंटो उन दिनों में आकाशवाणी के ड्रामा डिपार्टमेंट को संभालते थे। जाहिर है कि आकाशवाणी के गलियारों में अपनी प्रतिभा का मुजाहिरा किया ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने। यही वो समय था जब ख्वाजा खुर्शीद अनवर उस्ताद तवक्कल हुसैन खां के शिष्य बन गए। संगीत का रियाज और आकाशवाणी के लिए गाने बनाने का काम जारी था। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की नौकरी अच्छी चल रही थी। ठीक उसी वक्त लाहौर के एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक ए आर कारदार की मुलाकात होती है ख्वाजा खुर्शीद अनवर से। ए आर कारदार उन दिनों तक मुंबई में बस गए थे। उन्होंने ख्वाजा खुर्शीद अनवर का काम देखा तो उनसे कहा कि वो एक पंजाबी फिल्म बना रहे हैं, क्या उसमें वो संगीत देंगे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर इस फिल्म में संगीत देने के लिए राजी हो गए। इस तरह से उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ पंजाबी फिल्म कुड़माई के जरिए। इन दिनों में ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने आकाशवाणी की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब वो मुंबई चले आए फिल्मों में काम करने के लिए। फिल्म कुड़माई के निर्देशक थे जे के नंदा। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे वास्ती, राधा रानी, जगदीश सेठी और जीवन वगैरह। ये ऐसी पहली पंजाबी फिल्म थी जो दहेज प्रथा के विरुद्ध थी और 29 अगस्त 1941 को लाहौर के रीजेंट सिनेमा में ये फिल्म प्रदर्शित की गई थी। फिल्म कुड़माई ने पंजाब में तो काफी अच्छी कमाई की। इसके गाने बेहद लोकप्रिय हुए। दिल तड़पे काब छुट्टी नहीं दे काब छुट्टी नहीं दे नौकरी पर आ जावे गर्मी दे दिल आए मां डाडियां
फिल्म कुड़माई ने बॉक्स ऑफिस पर भले ही अच्छा प्रदर्शन न किया हो, पर ख्वाजा खुर्शीद अनवर के संगीत को सभी ने सराहा। इसमें शामिल थे निर्देशक जे के नंदा। उन्होंने सन 1943 में एक फिल्म बनाई इशारा, जो बहुत हिट हुई, और इस फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी ख्वाजा खुर्शीद अनवर को दी गई। इस फिल्म में कुल 9 गाने थे जो बिल्कुल अलग अलग मिजाज के थे और उस जमाने में खूब चले। दौर था जब ख्वाजा खुर्शीद अनवर की प्रतिभा की फिल्म इंडस्ट्री ने पहचान कर ली थी। अब कई ऐसे प्रोड्यूसर थे जो अपनी फिल्मों में उनसे संगीत दिलवाना चाहते थे। सन 1944 फिल्म आई परख, जिसमें ख्वाजा खुर्शीद अनवर और सरस्वती देवी ने संगीत दिया था। इस फिल्म के मुख्य सितारे थे महताब, बलवंत सिंह और कौशल्या। सरस्वती देवी ने इस फिल्म में केवल 2 गानों का संगीत दिया था। ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने इस फिल्म में एक नई गायिका को इंट्रोड्यूस किया, जिनका नाम था ईरा निगम। दरअसल ईरा निगम आकाशवाणी में काम कर रहे एक कंपोजर रोशन लाल नागरथ की पत्नी थीं। आगे चलकर रोशन लाल नागरथ फिल्म उद्योग में रोशन के नाम से मशहूर हुए और ईरा एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका बनी। तो सुना जाए परख फिल्म में ईरा का गाया ये गाना। क्या जाने कोई क्या जाने, कोई क्या जाने किसे दर्द हमारा क्या है, दर्द की जबन मालूम तो चारा क्या है, कोई क्या जाने किसे दर्द हमारा क्या है, चारा क्या है, कोई क्या जाने, कोई क्या जाने। सन 1947 में ख्वाजा खुर्शीद अनवर के संगीत से सजी एक और फिल्म आई
आज और कल। इसके बाद उन्होंने फिल्म पगडंडी में संगीत दिया। ये फिल्म उन्हें पंडित अमरनाथ के निधन के बाद मिली थी। इन दोनों फिल्मों में ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने इतने बेमिसाल गाने बनाए कि लोग उनके नाम की सराहना करने लगे। फिल्म पगडंडी के गाने विंटेज फिल्म के दीवानों को आज भी बेहद लुभाते हैं। कुंदनलाल सहगल की आखिरी फिल्म थी परवाना। इसमें संगीत ख्वाजा खुर्शीद अनवर का था। निर्देशक थे जे के नंदा। इस फिल्म के गाने काफी लोकप्रिय हुए थे। मेरे मुंडे रे ना बोल, जा कागा कागा जा। मेरे मुंडे रे ना बोल, जा कागा कागा जा। बढ़कर एक गाने थे जिन्हें आज भी खूब याद किया जाता है। इस फिल्म में ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने एक गाना राजकुमारी की आवाज में भी रिकॉर्ड किया था। इसके बोल थे सैया ने उंगली मरोड़ी रे। फिल्म परवाना में सितार, बांसुरी और वायलिन के जरिए जो इंटरल्यूड्स उन्होंने तैयार किए थे वो आगे चलकर आधुनिक पार्श्व संगीत का आधार बन गए। ख्वाजा खुर्शीद अनवर अपने बेमिसाल इंटरल्यूड्स के लिए जाने गए जो सितार, फ्लूट और वायलिन के तालमेल से तैयार हुए थे। सन 1949 में ख्वाजा खुर्शीद अनवर के संगीत से सजी एक और हिट फिल्म आई जिसका नाम था सिंगार। मुख्य सितारे थे सुरैया, जयराज और मधुबाला। इस फिल्म में उन्होंने लोक संगीत की एक झलक भी दिखाई थी और इस फिल्म के गाने गाए सुरैया, शमशाद बेगम, राजकुमारी और सुरिंदर कौर ने। वो दिन के धर गए कहो, वो दिन के धर गए, आँखों ने जब सुनाई थी उल्फत की दास्तान, दुनिया मेरी जवान थी आबाद था जहान, अब क्यों जला के छोड़ दिया मेरा
किधर गए, कहो वो दिन किधर गए। दिलचस्प बात यह है कि संगीतकार रोशन अपने करियर के शुरुआती दौर में ख्वाजा खुर्शीद अनवर के सहायक रहे थे। सन 1950 में ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने फिल्म निशाना में संगीत दिया। इस फिल्म के मुख्य सितारे थे अशोक कुमार, मधुबाला और गीता बाली। कोई किसी से दिल न लगाना, देखो देखो बुरा है जमाना। कोई किसी से दिल न लगाना, देखो देखो बुरा है जमाना। पास पड़े ना पछताना, देखो देखो बुरा है जमाना। कोई किसी से दिल न लगाना, देखो देखो बुरा है जमाना। अपनी गरज के सैया दीवाने, मेरी गरज पे सौ सौ बहाने। प्रीत की दुनिया कदर न जाने, प्रीत की दुनिया कदर न जाने। प्रीत में धोखा न खाना, देखो देखो बुरा है जमाना। प्रीत में धोखा न खाना, देखो देखो बुरा है जमाना। कोई किसी से दिल न लगाना, देखो देखो बुरा है जमाना। सन 1951 में उन्होंने भारत में अपनी आखिरी फिल्म में संगीत दिया, जिसका नाम था नीलम परी। रात चांदनी परी तारे, रात चांदनी परी तारे, मस्त बारे मुख दिखा रे, मुख दिखा जा रे। रात चांदनी परी तारे, रात चांदनी परी तारे। देश का बंटवारा हो चुका था, जबकि कुछ प्रतिभाएं सरहद के उस पार से यहां आ रही थीं। ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने भारत छोड़ने का फैसला किया और वो सरहद के उस पार चले गए। ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने भारतीय फिल्म उद्योग में कुल 11 फिल्मों में संगीत दिया। इसके अलावा पाकिस्तान में 26 सालों के अपने करियर में उन्होंने केवल 18 फिल्मों में संगीत दिया। जाहिर है कि उन्होंने बहुत ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया। कुल 29 फिल्मों में उनके 223 गाने ही आए हैं, पर वो एक बेमिसाल संगीतकार माने जाते हैं, एक प्रयोग करने वाले संगीतकार जिन्होंने भारतीय फिल्म संगीत की आधारशिला भी रखी और उसे एक नया रूप भी दिया। 30 अक्टूबर 1984 को बीमारी के बाद ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। हालांकि 80 के दशक में एक संगीतमय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वो हिंदुस्तान भी आए थे और अपने पुराने साथियों से मुलाकात करके जज्बाती भी हुए थे। संगीत की चाहने वाले इस बेमिसाल संगीतकार को आज भी याद करते हैं। ख्वाजा खुर्शीद अनवर को हमारा नमन। टूट गए सब सपने मेरे, टूट
बरसे शाम सवेरे टूट गए तब सपने मेरे। दर्द ने दी पर खेत लगाई टूटा जो दिल आवाज ये आई। दर्द ने दी पर खेत लगाई टूटा जो दिल आवाज ये आई। सुख की तमन्ना करने वाले सुख नहीं भाग तेरे टूट गए सब सपने मेरे। ये दो नैना सावन भादो बरसे शाम सवेरे टूट गए सब सपने मेरे। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले। आज के फनकार।